जी बच्चा पाड़ी क्या हाल चाल आपके? टाइम बड़ा लिमिटेड है तो मैंने कहा आपके लिए बढ़िया से एक सेशन बनाता हूँ 1.5-2 घंटे का, जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं। वैरायटी ऑफ केस स्टडी है, वैरायटी मतलब अलग अलग टाइप्स की, एमपीपी, आरटीपी और प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू से, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ केस स्टडीज आपके लिए लेकर आया हूँ, डिस्कशन करके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो शुरू करें बच्चा वाणी। गरीब आदमी का मजाक होगा, ठीक है। हाँ ये बात तो है, बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनाएंगे आपको। फाउंडेशन से फाइनल तक का साथ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू करते हैं बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कहना है भाई अ कुली इन यूनिफॉर्म टेक्स अप द लगेज, कुली ने आर का लगेज उठाया रेलवे स्टेशन में, जबकि आर ने उसे बोला भी नहीं था, विदाउट बीइंग आस्क्ड बाय आर। आर निकला, कुली ने सामान उठाया और कुली चल गया, आर भी साथ चल गया, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या? शंभू दयाल ने सेल्फ सर्विस सिस्टम शुरू किया अपनी दुकान में। श्रीमती प्रकाश दुकान में आई, उन्होंने बास्केट ली, बास्केट में आर्टिकल रखे और कैशियर के पास पहुंच गई, चलिए भाई ये सामान लेना है, पेमेंट ले लो, पैसे नहीं, पैसे ले लो, दे दो। कैशियर कह रहा है भैया मैं तो नहीं लूंगा पैसे, मैं आर्टिकल नहीं बेचूंगा, आप बताइए क्या उस दुकान में कॉन्ट्रैक्ट बना था क्या? अरे बेटे डिस्प्ले ऑफ गुड्स को बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर। क्या बोलेंगे? इनविटेशन टू ऑफर। क्या इनविटेशन टू ऑफर को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। क्या कोई पार्टी इनविटेशन टू ऑफर से बाउंड है? नहीं। डिस्प्ले ऑफ गुड्स में रखना और बाद में मना कर देना कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि गुड्स को अगर आप डिस्प्ले पे लगाते हैं वो ऑफर नहीं हो क्या कहलाएगा? इनविटेशन टू ऑफर। क्या है यहाँ पे इसका नाम? एनीवन? हेलो हेलो, या फोकस कर लो, इसका नाम फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट कैश केमिस्ट लिमिटेड। क्या है इसका नाम? फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट कैश केमिस्ट लिमिटेड। गुड्स को डिस्प्ले पे लगाना ऑफर नहीं है बच्चों, क्या कहलाएगा? इनविटेशन टू ऑफर। क्या कभी पार्टी बाउंड होती है कि इनविटेशन टू ऑफर? नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन आओ पढ़ते हैं सब साथ मिलकर। असीम पढ़ा लिखा सीखा से खाया एडवोकेट, एडवोकेट समझते हैं आप लोग, ठीक है। उसकी कार चोरी हो गई, ठीक है, उसने एडवर्टीजमेंट दिया, कोई बात नहीं, जो 10,000 का इनाम देगा किसी भी पर्सन को जो कार को ढूंढ कर लाएगा, कैसा ऑफर है? अरे ऑफर पब्लिक को देंगे तो कौन सा ऑफर कहलाएगा? ऑफर। आगे क्या लिखा है? असीम को कार मिली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, विक्रम ने कार ढूंढी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन वो डिनाय कर रहा है, 10,000 नहीं दूंगा, 10,000 नहीं दूंगा। जनरल ऑफर दिया, विक्रम ने कार ढूंढी, कार देने के लिए आया, कह रहा मेरे 10,000 दो, नहीं दूंगा। केस करना, कार वाले वर्सेस कार वाले, किसको बोल
जनरल ऑफर अगर आप पब्लिक को देते हैं तो पब्लिक में से कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है और मिस्टर विक्रम इज द पार्ट ऑफ पब्लिक देयरफॉर ही कैन एक्सेप्ट द ऑफर। आप बताओ पैसे देगा या नहीं देगा? यस सर। तो विक्रम को पैसे मिलेंगे क्या? यस सर। मिलेंगे हाँ या नहीं? यस सर। अरे मिलेंगे यार, पहली बार मुलाकात हो रही है, जोश तो दिखा दो भाई। पढ़ाता हूँ दिल्ली में, मुलाकात हफ्ते भर दो तीन बार होती, तब भी बच्चे चिल्ला चिल्ला के आपसे तो पहली बार हो गया, अगली बार बुलाओगे इंटरव्यू तो फिर आ जाऊंगा आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है मिलने। लेकिन पहली बार आप खुद तो मेमोरी लेके जाओ दिल्ली वालों को, बोलूंगा यार पटना ही बच्चों का जोश रॉक सॉलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल उदय कंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं बेटे यहाँ पे। ओहो ये क्वेश्चन तो देखो पहले भी कई बार आ चुका है, देखना क्या कहता है। ऐसा बेटे ऐसा, बी ने ऑफर दिया एस को, कह रहे मकान बेचना है, कितने भाई? 10 लाख है। ठीक है ध्यान से देखना, ऑफर का लेटर पोस्ट किया है 10 तारीख को, ऑफर पहुंचा 12 तारीख को। ठीक है, ऑफरी लेटर कब पढ़ रहा है बच्चे? 13 तारीख। नहीं 13 तारीख को। हाँ ठीक है, ये बताओ ऑफर कंप्लीट हो 10, 12, 13 भेजा 10 को, मिला 12 को, पढ़ा 13 को, जब ऑफर के बारे में पता चलेगा ऑफर तो तभी कंप्लीट होगा ना बच्चों। ऑफर कंप्लीट कब होगा? 13 तारीख को। ठीक है भाई, एस टेलीग्राम भेज रहा है एक्सेप्टेंस का 16 तारीख को। ठीक है, वो पहुंचता है 20 तारीख को एक्सेप्टेंस का लेटर, 20 को पहुंचता है। ठीक है, एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होगी? 20 तारीख को। उसके पार्ट पे ऑफर के पहले आगे बढ़ते हैं। 17 को एस का मन बदल गया, कह रहा है भैया मैं टेलीग्राम भेज के एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा ऊपर करता हूं चलो कुछ शायद ना देखिए। वो कह रहा है जी मैं अपनी एक्सेप्टेंस विड्रॉ करता हूं। कौन कह रहा है? बच्चे एस। ठीक है, अब ये बताओ टेलीग्राम पहुंचा 19 को विड्रॉवल वाला, एक्सेप्टेंस का लेटर पहुंचा था 20 को, विड्रॉवल का लेटर पहुंचा है 19 को, जो पहले पहुंचेगा वो इफेक्टिव होगा। अगर विड्रॉवल का लेटर 19 को पहुंच गया और एक्सेप्टेंस का लेटर 20 को, तो एक्सेप्टेंस वैलिड है विड्रॉवल? जो पहले पहुंचेगा वो इफेक्टिव होगा। और क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है? कहता है बताइए एक्सेप्टेंस वैलिड है क्या? नहीं। ऑफर कंप्लीट कब? 10, 12, 13। कह रहा है एक्सेप्टेंस का लेटर दोनों साथ में पहुंचे तब जो पहले पढ़ेगा वही इफेक्टिव होगा। ठीक है ना, कौन पढ़ेगा, ऑफरर या ऑफरी? ऑफरी। अरे एक्सेप्टेंस का लेटर देगा कौन है? ऑफरी। किसको देगा? पढ़ेगा कौन? ठीक है चलिए, बहुत ही बढ़िया आगे बढ़ते हैं। हाँ सही कह रहे हो आप, आज तो फेस टू फेस पर आने का मौका मिला। ठीक है याद दिला देना बस आप। ठीक है गाना गाऊंगा सब भाग जाओगे, स्पीकर तोड़ दोगे, तेरे पहुंचने के लिए गाना गाता है। अरे आओ बेटे क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप लगा देंगे। क्वेश्चन क्या कहता है देखो, कहता है प्रथम ने प्रिंसिपल के लिए अप्लाई किया, बहुत बढ़िया। स्कूल मैनेजमेंट कह रहा है तुझे अपॉइंट कर देंगे। ठीक है, तब उसका डिसीजन हुआ स्कूल मैनेजमेंट इसको अपॉइंट करेंगे अभी। हाँ, स्कूल का एक मेंबर है प्राइवेटली प्रथम को बताता है मुझे स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया, क्या बताइए? इंटरव्यू किसको दिया? स्कूल को। अभी कहीं से फोन नहीं आया, स्कूल का एक मेंबर प्राइवेटली फोन कर रहा है किसको? प्रथम को। क्या कह रहा है? मुझे प्रिंसिपल बना लिया, बधाई हो। ठीक है आगे बढ़ते हैं, एक बात बताना है, आगे बढ़ते हैं। ये बात ना ऑफिशियली किसी ऑफिशियली स्कूल की तरफ से नहीं आई, क्या स्कूल ने ये एक्सेप्टेंस दी है आपको? एक्सेप्टेंस कौन दे रहा है? प्राइवेटली एक मेंबर। बेटे आपने एक पॉइंट पढ़ा हुआ एक्सेप्टेंस के रूल में, एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस विल बी बाय द ऑथराइज्ड पर्सन और द ऑफरी। क्या वो अकेला मेंबर ऑथराइज्ड पर्सन है क्या?
क्या स्कूल ने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट की है क्या? क्या एक्सेप्टेंस वैलिड होगी क्या? केस का नाम कौन बताएगा? अब एक सेशन देना पड़ेगा यूट्यूब में, सारे केस याद करवाने पड़ेंगे आपको, सारे केस भूल गए बच्चे। केस का नाम है पॉवेल वर्सेस ली। आप अपनी पुस्तिका देखोगे तो आपको चित्र मिला हुआ मिल जाएगा पॉवेल वर्सेस ली का, ठीक है? आप बताइए, हेडमास्टर का इंटरव्यू दिया, क्या स्कूल की तरफ से भी कम्युनिकेशन आया क्या? कौन दे रहा है कम्युनिकेशन? अनऑथराइज्ड पर्सन। क्या एक्सेप्टेंस वैलिड है? नहीं। आगे पढ़ लो, क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। मैनेजमेंट ने किसी और को अपॉइंट कर लिया प्रिंसिपल के तौर पे, प्रथम ने केस फाइल कर दिया स्कूल के ऊपर, कह रहा है पहले मुझे अपॉइंट किया फिर अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया, मुझे डैमेज चाहिए। आप बताइए अपॉइंटमेंट वैलिड था प्रथम का? नहीं। क्या स्कूल ने बताया क्या? तो ध्यान रखिए बच्चे, एक्सेप्टेंस विल बी बाय द ऑथराइज्ड पर्सन। क्या वो पर्सन ऑथराइज्ड था? नहीं बेटे। आगे बढ़ते हैं। सिंह एक बुरा व्यक्ति है, ओके, ये एक डील बनाता है, ओके, कहता है अपनी प्रॉपर्टी ए करूंगा, ओके, ए बेटी है उसकी, ठीक है, डील में लिखा था मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी को दूंगा, लेकिन एक शर्त है, बेटी हर साल 2000 रुपए मेरे भाई को देगी, तो मेरे अपने चाचा को, अपनी बेटी को अपनी सारी संपत्ति ट्रांसफर कर रहा हूँ, लेकिन एक शर्त है, बेटी 2000 रुपए हर महीने या हर साल अपने चाचा को देगी। आप मुझे बताइए, चाचा की तरफ क्वेश्चन मिल रहा है क्या? नहीं। कंसिडरेशन पापा से आया, 2000 चाचा को, इसका नाम किसी को याद आ रहा हूँ? चिनैया वर्सेस रमैया, याद आ रहा है? यस सर। क्या जरूरी है अगर आप चाचा को 2000 दे रहे हैं तो चाचा भी आपको कुछ दे? नहीं। कंसीडरेशन प्रॉमिसी की तरफ से भी आ सकता है या फिर थर्ड पार्टी की तरफ से। चाचा को रहे मिल पापा से रहे, जरूरी नहीं है कंसीडरेशन प्रॉमिसी से आए, थर्ड पार्टी से भी आ सकता है। केस का नाम? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते। मक्खन के मामले को नहीं, पत्थर के मामले पर पत्थर पड़ा है ढूंढने का, ठीक है? ओ आइए देखो, ये तो क्रिटिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए रख दिया है कि आपको स्वयं पढ़ सकते हैं। मैंने बताया क्यों रखा है, आरटीपी नवंबर 18 को, अच्छा एमटीपी मार्च 19, अच्छा एग्जाम पे एग्जाम नवंबर 19, अच्छा एमटीपी अप्रैल 21। तो ये क्वेश्चन तो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंसीडरेशन, रूल्स ऑफ कंसीडरेशन लिखने हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, तो अभी आया मेरे भाई से न्यूटन स्पेक्ट्रम वाला, यार सेक्शन 25, अब बिना कंसीडरेशन के भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, ठीक है? नंबर 18 एमपीपी 18 आरटीपी में 19 एग्जाम में 18 आरटीपी नंबर 21 और एग्जाम मई 22 के, मई 22 भी आया था, मई 22 जून 22। चलिए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को अपन पढ़ते नहीं, केस स्टडी एक तरफ देनी शुरू करते हैं, ठीक है जी? ओहो ओहो ओहो, अरे होले, वाय ने लोन दिया 30,00,000 रुपए का, कौन देख रहा है अभी तक ना, ठीक है? सी ने डिफॉल्ट कर दिया लोन के रीपेमेंट को लेकर, ठीक है? और डेट बन गई टाइम बार, डेट कितने साल बाद टाइम बार बनेगी? 30 साल। कितने साल बाद? 30 साल। बाद में जब टाइम बार बन गई, कह रहा है मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा, की कह रहा है मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। आप एक बात बताइए, इस केस में क्या टाइम बार डेट को पे करने के लिए किया गया प्रॉमिस वैलिड होगा क्या? बिल्कुल वैलिड होगा, सेक्शन 25 का एक्सेप्शन है, टाइम बार डेट को पे करने के लिए किया गया प्रॉमिस वैलिड होगा अगर राइटिंग और साइन में है तब। कैसा है? राइटिंग और साइन में है तब, याद आ रहा है बच्चे? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट, चलो जी क्वेश्चन पढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है ना भाई? मैं वहां चला गया तो मुझे लगा कैमरे का स्कोप ज्यादा होगा,
कैम कैम 22 ठीक है, देखो बेटे एक्स एक माइनर है जैसे कि मैं अध्यक्ष बात करो चिंटू कैमरे कैमरे में दादा यहाँ है कैमरे में आप लोग कहते हैं यहाँ बेहतर ठीक है कितने लोग कहते हैं कैमरे में ठीक हो देख रहे हो तो बूढ़े हो चुके हो एक दो बस ठीक है ज्यादा नहीं बेटा मेरी उम्र है सिर्फ 15 साल की ठीक है और पढ़ाते हुए मुझे हो गए 11 साल ठीक है बेटा मैं हर 10 साल बाद नया जन्म लेता हूँ ठीक है थैंक यू गिफ्ट का है एक्स माइनर है ठीक है जी कॉलेज में पढ़ता है अरे क्वेश्चन तो देखो मेरा छोड़ो इंस्टीट्यूट पागल हो गया कह रहे माइनर एमकॉम कर रहा है एक्स माइनर है एमकॉम कर रहा है 2019 में लोन लिया 1 लाख रुपए का भैया एजुकेशन का लोन नेसेसरी है या नहीं अरे बोलो ना है 1 लाख रुपए नेसेसरी ठीक है कह रहे कॉलेज फीस दूंगा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है बुक्स भी खरीदूंगा ठीक है भाई पे भी कर दूंगा कितने की ऐसे ने उसकी 9 लाख रुपए में घूम के पढ़ा लेता हूँ मैं ऐसे कंफर्टेबल खड़े होकर नहीं पढ़ा सकता ठीक है ऐसे ने भाई 9 लाख रुपए की और लोन कितने का लिए माइनर तो ठीक है नेसेसरी उसे कहाँ से रिकवर करोगे बेटे माइनर की प्रॉपर्टी से कहाँ से कितनी प्रॉपर्टी है माइनर की लोन कितने का है रिकवर होगा क्या बिल्कुल होगा माइनर से या माइनर की प्रॉपर्टी से माइनर की प्रॉपर्टी से बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हो रे यार फ्री कंसेप्ट में आ गए अपन ओहो ये क्वेश्चन आ रहा भाई नंबर 22 में मैं आपको कह रहा हूँ फ्रॉड में से क्वेश्चन आएगा दो क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रॉड में से दो में से कोई एक एक तो ये वाला और दूसरा कब कब साइलेंस को फ्रॉड मानेंगे इसको साइलेंस को कब फ्रॉड मानेंगे ठीक है शादी याद है इसको बाकी सब भूल गया बेटे कोई बात नहीं क्वेश्चन पढ़ो भाई सोहन ने सूरज को इंड्यूस किया कहता है भाई मेरी मोटरसाइकिल खरीद ले ब्रूम ब्रूम बहुत ही बढ़िया बेहतरीन बाद में पता चला सूरज जो बायर है कहता है जी कई सारे डिफेक्ट है मोटरसाइकिल में तो फ्रॉड हुआ क्या बायर के साथ बोलो ना क्या बोला मोटरसाइकिल कैसी है गुड कंडीशन मोटरसाइकिल कैसे निकली खटारा कैसी तो बेटे फ्रॉड के केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा वाइड अवेलेबल इसके ऑप्शन बेटे वोटिंग पार्टी या ग्रीन पार्टी तो ग्रीन पार्टी या कर सकती या तो चलने देगी या तो सबको पता है ना वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मैं तो कहता हूँ जीवन संसार में कहीं दूर कोई बोल रहा हूँ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पता है बोलेगा एंड ऑप्शन ऑफ ग्रीन पार्टी ग्रीन पार्टी के पास क्या ऑप्शन है या तो वो चलने देगा या तो कैंसिल कर देगा अब चल के फ्रॉड के बारे अब आया सेलर के पास सेलर से क्या कह रहा है भाई तुमने मुझे खटारा मोटरसाइकिल भेज दी है सेलर क्या बोल रहा है सेलर कह रहा है तू टेंशन ना ले मैं रिपेयर करा दूंगा और 40% खर्चा भी दे दूंगा के पास दो ऑप्शन थे चलो कॉन्ट्रैक्ट को चलने देता ये कैंसिल कर देता उसने क्या किया उसने कॉन्ट्रैक्ट को चलने दिया सेलर ने बोला मैं रिपेयर करवा दूंगा सर आपने कॉन्ट्रैक्ट को चलने दिया फ्रॉड पता लगने के बाद भी अब कैंसिल नहीं कर सकते अब कैंसिल नहीं कर सकते और बाद में बाद में मोटरसाइकिल तो बिल्कुल ही बंद करना काम करना बंद खत्म डेट ऑन हो अरे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है मुझे ये मोटरसाइकिल वापस दे दो मेरे पैसे दे दो अरे कैंसिल नहीं होगी बेटे वंस कंफर्म कैन नॉट बी कैंसिल्ड आपके सामने दो ऑप्शन थे कौन कौन से या तो चलने दो या तो कैंसिल कर दो लेकिन आपने क्या बोला मैं तो चलने दूंगा आप कैंसिल कर सकते हैं क्या आएगा बेटा क्वेश्चन एक्शन चिपकाएगा 19 ठीक है वॉयलेबल कॉन्ट्रैक्ट का अरे मैं बार बार टच में चला जाता हूँ कोई बात नहीं बेटे ये देखो ओहो टीचर स्टूडेंट
सुरेश को टीचर कह रहा है अपनी नई गाड़ी बेच दे। टीचर कह रहा है स्टूडेंट को, कौन सी पार्टी डोमिनेटिंग है यहाँ पे? टीचर बोलो ना। और स्टूडेंट कैसी पार्टी डोमिनेटिंग है? वीगर इक्वल है। अरे बेटे टीचर हो गए डोमिनेटिंग पार्टी, स्टूडेंट हो गए वीगर पार्टी। टीचर बोल रहा है अपनी गाड़ी मुझे कम दाम में बेच दे। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है, फ्रॉड है, अंडर इन्फ्लुएंस है। अंडर इन्फ्लुएंस है, कौन लगा रहा है अंडर इन्फ्लुएंस? इसके ऊपर आने बिक गई। आप बताओ कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? वैलिड वॉइड वॉइडेबल? टीचर या स्टूडेंट? अगली पार्टी कौन है? इसके ऑप्शन वॉइडेबल होगा। वॉइडेबल मतलब क्या यार? कॉन्ट्रैक्ट को कौन सा है बेटे? ये है अंडू इन्फ्लुएंस। क्या है? अंडू इन्फ्लुएंस। कोई बात नहीं बेटे, मैं वैसे भी इक्वल पार्टी हूँ, मैं वैसे भी कहता हूँ मैं इक्वल पार्टी हूँ, डोमिनेटिंग थोड़ी हूँ। कोचिंग टीचर इक्वल पार्टी है, कोचिंग टीचर तो मतलब ही नहीं है, ठीक है? डोमिनेटिंग और स्कूल टीचर नंबर का अंतर है। स्कूल टीचर वो ग्रेड का होता है। मैंने कुछ दिन पहले खबर पढ़ी, दो तीन खबर पढ़ी मैंने, एक पटना की ही पढ़ी कि भाई टीचर ने स्टूडेंट कुछ बोला, स्टूडेंट टीचर को टपका दिया। उसके बाद से मैंने बच्चों को बोलना बंद कर दिया। मैंने कहा अपनी अपनी सुरक्षा अपने हाथों में भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए श्याम के पास एक मोटर गाड़ी है, ठीक है भाई? विकास से कहता है भाई मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ कितने लाख में? दो पांच आ गया 3 लाख रुपए, ठीक है? श्याम जो बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, आरटीपी नंबर भी आरटीपी में एक श्याम कह रहा है विकास से कि मोटर कार जो है वो 30 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। मोटर कार है, बैलगाड़ी है, 20 किलोमीटर पर माइलेज देगा, 20 किलोमीटर पर माइलेज। तो मारुति को फेल कर दिया, बल्डो को भी 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज है। फ्यूल मीटर और स्पीड मीटर दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन आप कर रहे हो, नया क्वेश्चन, ठीक है? क्या कह रहे हैं कितना माइलेज होगा? 30 किलोमीटर पर लीटर, दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं, कौन कौन? फ्यूल मीटर और ये सब, ठीक है? अब सुना ध्यान से, बहुत प्यारा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है आपको। विकास कह रहे हैं ठीक है भाई मैं आपकी गाड़ी खरीद लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, श्याम की बात को मान गया और डिलीवरी ले ली इसने कार की, डिलीवरी ले ली आपने कार की, ठीक है? और 3 लाख रुपए पे कर दिए श्याम को। 10 दिन के बाद बायर वापस आया, कह रहे भैया ना फ्यूल ना कुछ और, आपके सारे दावे झूठे थे, 30 रुपए छोड़ो, इस पेट्रोल टंकी से भरवाता हूँ, अगले तक तेल खत्म हो जाता है। आपने झूठ बोला थे, माइलेज वाइलेज कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है? आगे अरे आगे सुनो, आगे पूरा क्वेश्चन तो पढ़ो, क्योंकि ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि ये क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन। हाँ तो सुनना, मैंने आपको पहले ही बोला है रिप्रेजेंटेशन में एक एक्सेप्शन है, जिन चीजों का आप ऑर्डिनरी एफर्ट से पता लगा सकते हैं उस ग्राउंड पे कॉन्ट्रैक्ट को मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं कहते, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं बनेगा। अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो सेलर से और वहां पे माइलेज मीटर लगा हुआ है, गाड़ी टेस्ट ड्राइव करोगे तो 2-3 किलोमीटर गाड़ी चलाओगे माइलेज का पता लग जाएगा, तो बायर की गलती है। मिस रिप्रेजेंटेशन का एक्सेप्शन कहता है अगर आप ऑर्डिनरी एफर्ट से ऑर्डिनरी डिलीजेंस नॉर्मल डिलीजेंस के साथ सच का पता लगा सकते थे और आपने नहीं लगाया तो गलती होगी बायर की। यहाँ पे बायर ये नहीं कह सकता मेरे साथ क्या हुआ है, मिस रिप्रेजेंटेशन, और कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइडेबल। देयर इज नो मिस रिप्रेजेंटेशन। बायर जो गाड़ी खरीद रहा था वो गाड़ी चेक कर सकता है, गाड़ी सही काम कर रही है या नहीं, ये तो आपने सेल के अंदर ही पढ़ा होगा। कैवे कैप्टर दो चीजें नहीं होती, दो चीजें, एक आपको लगता है वो झूठ नहीं है, आपके साथ तो गलत होगी ना, जिन
चीजों का या सच का पता लगा सकते हैं विद ऑर्डिनरी एफर्ट, वहां भी नहीं बोलेंगे मिसरिप्रेजेंटेशन है, यहाँ मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होगा धन। ठीक है बच्चे, चलिए ये लाइन में लिखवाता हूँ, आप पेपर पढ़ सकते हैं, जिन्होंने शायद नहीं पढ़ा होगा, सुना नहीं हो, इसमें एक लाइन ध्यान रखना। ये मानकर चलते हैं यार कि वहां पर चीजें ठीक है, मिसरी प्रेजेंटेशन है, लेकिन जिन चीजों का आप आसानी से पता लगा सकते हैं उस ग्राउंड पे मिसरी प्रेजेंटेशन नहीं मानेंगे। ठीक है, नया क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। चलो जी कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइन में यूज करता हूँ, ये शायद आपकी कॉपी में लिखी होगी। इफ यू कैन डिस्कवर द ट्रुथ with ordinary diligence, yeah, if you can discover the truth with ordinary diligence, तो वहाँ पर मिसरी प्रेजेंटेशन नहीं होगा, ध्यान रखना इसके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंदन को कुछ बीमारी थी और वो बड़े पीड़ा में था। ठीक है, वो झुंझुनू वाले डॉक्टर के पास गया। एक झुंझुनू वाला है संसार में, ठीक है, अरे पढ़ ले, झुंझुन वाला के पास गया, झुंझुन वाला की फीस कितनी है भाई, 300 रुपए। ठीक है, पढ़ो, अरे पढ़ो, पढ़ो, मस्त निकले, नया क्वेश्चन। डॉक्टर कह रहा है मैं तुझे ट्रीट तो कर दूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। तो क्या कंडीशन है? डॉक्टर कह रहा है मुझे प्रोमिसरी नोट साइन करके दे 5,000 का, मैं तुझे ट्रीट कर दूंगा, फीस है 300 रुपए, प्रोमिसरी नोट कितने का साइन करवा रहा है, 5,000 का। चंदन ने प्रोमिसरी नोट साइन कर दिया और डॉक्टर को दे दिया। सुनना बच्चे ध्यान से, जब डिजीज से वो ठीक हो गया तो चंदन ने बोला वो पैसे नहीं देगा, विल नॉट पे द मनी। आप बताइए क्या डॉक्टर वहां पर रिकवरी कर सकता है उस केस में? हाँ, पूरी कहानी समझना। वो बीमार था, पीड़ा में था, डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने देखा, मजे कितनी है डॉक्टर की, आगे कितने, डॉक्टर नॉमिनेटिंग पार्टी, मरीज लीडर पार्टी, क्या लग रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, इसके ऑप्शन डॉक्टर है पेशेंट, चले गया तो कैंसिल कर देगा। मस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल मस्त यार, आपने पढ़ा होगा तीसरा ग्राउंड, जब एक पर्सन फिजिकली या मेंटली वीक है तो आप मानेंगे वो पार्टी दूसरी पार्टी क्या कर रही है, डोमिनेटिंग। डॉक्टर को क्या मानते हैं, डोमिनेटिंग या वीकर, डोमिनेटिंग। और पेशेंट क्या कर रहा है, डोमिनेटिंग या वीकर, कॉन्ट्रैक्ट किसके ऑप्शन अवॉइडेबल होगा, डोमिनेटिंग या वीकर, पेशेंट इज द वीकर पार्टी। ठीक है, करण ने वुडन टेबल खरीदने के लिए बोला एक्स से। ठीक है, टेबल गुड कंडीशन में था, करण ने पहले चेक भी कर लिया, कोई डिफेक्ट दिखा भी नहीं और 20,000 रुपए दे दिए। बाद में पता चला टेबल ब्रोकन है और एक्स ने एक पाया टूटा हुआ था, पैर चिपका दिया था उसने ताकि डिफेक्ट को छुपा सके। आप बताइए यहां पर बच्चे फटाफट से फ्रॉड कहलाया क्या? बिल्कुल सर, किसने फ्रॉड किया, सेलर ने या बायर ने? किसके ऑप्शन अवेलेबल हुआ, सेलर या बायर के ऑप्शन? बहुत बढ़िया, अभी हुआ आपके साथ फ्रॉड वैसे? yes, किसी दुकानदार ने आपको डिफेक्टिव आइटम चुपका दिया हो? देखो जी, अगर आप कुछ भी साबित नहीं कर पाए, आप गुड फेथ में थे या नहीं, तो फ्रॉड ही मानते हैं उस केस में। और मिसरिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ एक बार बताओ, चिपकाया ना अपने पैर, तो मुझे पता नहीं है पैर चिपका, अरे मैं इमोशन तो यार पैर चिपका रहा हूँ, कैसे इमोशन दे जाएगा, खुद ही पैर चुपका रहा है अगर और पेंट वेंट कर रहा है, तो यहाँ पे एक्ट इनोसेंट नहीं है, इंटेंशनल। ठीक है, आगे बढ़े जी, चलिए अगला। एक्स एक बिजनेसमैन है, उसका बहुत लंबा केस चल रहा है वाई का केस। ठीक है जी, बस इसको ऐसे कर, अब ठीक है, एक मिनट।
सारे बच्चे बोलते मिलते हैं बाद में, कहते सर आप तो बहुत लंबे हो, क्यों कह रहे बैठ में देते नहीं हो ना सर, ट्रेन में आके बैठ गए ऐसा लग रहा है क्या? ठीक है देखिए, तो भाई केस चल रहा था भाई, कह रही ठीक है वकील, हाँ जज है जुडिशियल ऑफिसर सी, जज को पता है क्या बोल रहा है, पैसे ले ले 10,000 रुपए और वाई की बात मसूलियों केस में 10,000,000 रुपए पैसे ले ले और वाई की बात मत सुनना, करेंट कॉन्ट्रैक्ट है इसे बोलते हैं एग्रीमेंट विच इंटरफेयर विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, क्या बोलते हैं इंटरफेयर विद द कोर्स ऑफ जस्टिस अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और एग्रीमेंट क्या होगा वॉइड, याद आ रहा है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, सही बात है। एक बार आपका रिवीजन करवाना चाहिए फिर ये क्वेश्चन पूछने जो बच्चे से 3 महीने पहले, एक बच्चा कह रहा है ऐसा कुछ होता है क्या, ये बढ़िया क्वेश्चन है देखो बढ़िया परफॉर्मेंस में आ गया भाई। सोनू मल एक पैसे वाला आदमी है, बहुत बढ़िया, लोन दिया 80,000 का, कब दिया बच्चों 26 फरवरी को, अब देखते हैं ना ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है, कितने का लोन दिया 80,000 का, कब दिया 26 फरवरी को, ठीक है सुना ध्यान से, लोन वन, हेलो लोन वन 26 फरवरी का 80 का, ठीक है एक और लोन दिया 1,00,000 रुपए का 28 फरवरी को लोन, और तीसरा लोन दिया 50,000 का 3 मार्च को, पहला लोन 80,000 का 26 फरवरी को, दूसरा लोन 1,00,000 का 28 फरवरी को, और तीसरा लोन कितने का बच्चे 50,000 का किस तारीख को 3 मार्च, ठीक है 3 लोन हो गए अलग अलग, पढ़ते हैं एक बार दातुमल दे रहा है 75,000 रुपए, 75,000 रुपए दातुमल दे रहा है ठीक है, और सोनू मल से कहता है भाई एक काम कर 50,000 रुपए ना मार्च वाली उधारी से माइनस कर देना, 50,000 रुपए मार्च वाली उधारी से माइनस कर देना ठीक है, मार्च वाली 50,000 की उधारी थी, कह रहा है 50,000 वहां से खत्म कर देना, और जो 25 बचेगा 25 से ये वाली उधारी खत्म कर देना। अगर एक पर्सन पैसे दे रहा है और आपको बताता है कि कौन सी उधारी खत्म करनी है, कैसे वो बताएगा, वैसे ही आपको करना पड़ेगा, इफ द पार्टी पेइंग हैज स्पेसिफाइड द मैनर, तो उधारी कौन सी खत्म करेंगे, जो उधारी पे पार्टी पेइंग ने बताई होगी वो उधारी आपको खत्म करनी पड़ेगी। अगर पार्टी पेइंग ने कोई तरीका बताया है कि ये पैसे ले ले दोनों लोन खत्म कर दे, तो पार्टी पेइंग जो तरीका बताएगा आपको वही लोन खत्म करना पड़ेगा। कौन सा कांसेप्ट पढ़ रहे हो, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, कौन सा? अब एक बात बताओ, जब वो आपको कह रहा है 50,000 से ये वाली उधारी खत्म कर दो, 25,000 से ये वाली, ठीक है, रिसीविंग पार्टी कह रही नहीं कि ऐसा नहीं होगा, क्या रिसीविंग पार्टी ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है क्या? नहीं। अगर पार्टी में इन तरीका बोला है तो उसी तरीके से आप डेट को खत्म करेंगे उच्च पार्टी। अब एक बात बताओ इस केस में क्या रिसीविंग पार्टी का ऑब्जेक्शन वैलिड है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर पार्टी में इन्हें कुछ नहीं बोला होता तो कौन सी उधारी खत्म करते? रिसीविंग पार्टी जो उधारी खत्म करना चाहे वो कर सकती है, इन्होंने टाइम मांग रहे हैं, और अगर पार्टी पेइंग ने भी कुछ नहीं बताया और रिसीविंग पार्टी ने भी कुछ नहीं किया तो आप कोई भी डेट खत्म कर सकते हैं इन ऑर्डर ऑफ टाइम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कोई भी उधारी आप खत्म कर सकते हैं इन ऑर्डर ऑफ टाइम, टाइम मतलब सबसे पुरानी उधारी सबसे पहले खत्म करेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कहां से, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अच्छा एक बात, ये प्रॉब्लम से एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट में 3 चीजें होती है, अगर पार्टी पेइंग ने तरीका बताया है उधारी उस तरीके से खत्म होगी, अगर पार्टी पेइंग ने कोई तरीका नहीं बताया जैसा आपको ठीक लगे वो उधारी खत्म कर दो, और अगर उसने कुछ नहीं बताया और आपने कुछ नहीं किया तो कोई भी डेट खत्म होगी कैसे, इन ऑर्डर ऑफ टाइम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, किसमें खत्म होगी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पढ़ाया ना बच्चों हमने एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, ठीक है।
ये किसी को याद है वाला? टैरेंडम बोलते हैं उसका, बहुत बढ़िया। उसका एक लैटिन टर्म भी होता है, अगर पार्टी पे ही कोई तरीका बताया है, कह रहा जी लोन मार्च वाला खत्म करते हैं, तो मार्च वाला ही खत्म करेंगे। इसे बताए क्या बोलते हैं? क्विक क्विक सॉलिटर, सॉलिटर सेकेंडम मॉडर्न सॉल्वेंटेस। और साथ मिलकर याद करते हैं, मुझे कभी तो देख ही जाओगे। क्विक करेगा।
वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के केस में जो भी बेनिफिट आपको मिले बेनिफिट अपने पास हो गया, रिटर्न कर दोगे आप, रिटर्न कर दोगे, ठीक है ना। रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसमें दो कंसेप्ट एक साथ लग रहे हैं, इम्पॉसिबिलिटी, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट। इम्पॉसिबिलिटी कैसे लगा? रोड एक मार्क रास्ता थी वही डैमेज हो गई, इसे क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है जी। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फटाफट से देखो भाई, पीएम लिमिटेड ने मशीनरी दे दी है गुप्ता गुप्ता ट्रेडर्स को 21 में, चलो ये बात सुना ध्यान से। हड़ताल को इम्पॉसिबिलिटी मानते हैं, कितने लोगों को लगता है हड़ताल इम्पॉसिबिलिटी का ग्राउंड है? लेबर स्ट्राइक ग्राउंड है इम्पॉसिबिलिटी का। आपने जमीन कितने बेच, आपने मशीनरी कितने बेचनी थी? 21 में, 21 में, ठीक है। आप मशीनरी नहीं दे पाए तो बायर ने मशीनरी कहीं और से खरीदी 2275 में, आपने प्रॉमिस कितने में की थी? 21.5। क्या आपने दी मशीनरी? नहीं। सामने वाले पार्टी ने कितने में खरीदी? 2275। कितना एक्स्ट्रा दिया उसने? 1.25। तो एक्स्ट्रा पैसा उसने दिया है, उसका लॉस है, वो आपसे रिकवर करेगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। कौन रिकवर करेगा? एग्रीड पार्टी। आपसे कितने मशीनरी मिली थी? 21.5 में। आपने दी क्या? आपने मार्केट से कितने मिली? 2275। कितना एक्स्ट्रा दिया? 1.25 लाख रुपए आप रिकवर कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। जो ब्रीच समय से पहले होता है उसे क्या बोलते हैं? एक्चुअली एंटीसिपेटरी, एंटीसिपेटरी, एंटीसिपेटरी ब्रीच में अग्रीम पार्टी के सामने दो ऑप्शन है, कौन कौन से? या तो उसी दिन कैंसिल कर दे और डैमेज क्लेम कर ले, या फिर वेट करे कब तक? ड्यू डेट तक। अगर ड्यू डेट तक भी कुछ ना आए तो फिर डैमेज क्लेम कर लेगा। दो ऑप्शन है, कौन से केस में? एंटीसिपेटरी ब्रीच के केस में। एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब क्या होता है? ऑन द ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट, बिफोर द ड्यू डेट। चलो ये पढ़ते हैं फटाफट से। रामास्वामी ने क्या बोला? 40 रुपए पर केजी में डाल देगा, ठीक है, 10 नवंबर को, ठीक है जी। अब बात समझना, एक महीने के अंदर आपने देना है, ठीक है, मतलब किससे पहले देना है आपने? 9-12 से पहले। एक महीने के अंदर आपने दाल वहां पर प्रोवाइड करनी है, बच्चे कितनी कितनी दाल प्रोवाइड करनी है आपने? यहाँ पर 10 टन, ठीक है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है 9-12 तक दाल प्रोवाइड करनी है, 4-12 को चार कहता है मैं दाल आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि तो दाम बढ़ चुका है, इसीलिए दाल आपको नहीं दे सकता। डेट ऑफ परफॉर्मेंस, डेट ऑफ ब्रीच, एक्चुअल ब्रीच है, एंटीसिपेटरी। एग्री पार्टी के सामने कौन से दो ऑप्शन है? या तो तुरंत कैंसिल कर देगा, किस दिन? 4-12 को, या वेट करेगा कब तक का? अगर 9-12 को भी दाल नहीं मिली तो फिर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अगर 4-12 को कैंसिल करेगा तो 4-12 को मार्केट में रेट कितना है? तो आपको 10 रुपए महंगी मिल रही है, 10 रुपए पर केजी डैमेज क्लेम मिलेगा, डैमेज क्लेम मिलेगा। और अगर 9-12 तक वेट करता है तो 9-12 को रेट कितना पहुंच गया? 53 रुपए। तो डैमेज कितना हो जाएगा? 53 - 40 होता है 13 रुपए, ठीक है ना। तुरंत कैंसिल करेगा तो 10 रुपए डैमेज क्लेम, और 9-12 तक वेट करेगा तो कितना डैमेज क्लेम करेगा? 13 रुपए। चलिए, मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना ये मैं अपलोड भी कर दूंगा, एक बार खुद से भी देख लेना बाद में, सही रहेगा। चलिए, ये तो थ्योरेटिकल का क्वेश्चन है, एंटीसिपेटरी ब्रीच का देख रहे हो। आरटीपी नवंबर 18, एमटीपी मार्च 19, एमटीपी नवंबर 19, एमटीपी अप्रैल 21, आरटीपी मई 22। बूस्टर होगा ना, आपको कितने लोगों का बूस्टर है? मेरा लोगों के पास है बूस्टर डोज, केस स्टडी बूस्टर। सही बोलो फटाफट से, ए और बी ने बोला कि मैं आपको यूनिक आइटम दूंगा, मान लो महाराणा प्रताप की तलवार, यूनिक आइटम, इसको ऑल्टरनेटिव नहीं है। ए कह रहा है भाई वो आइटम नहीं दे पाऊंगा, बी के पास क्या ऑप्शन है?
अगर महाराणा प्रताप की तलवार नहीं मिली यहाँ कहीं और से मिल सकती है क्या? नहीं, तो वहां पे डैमेज नहीं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। फिर आप तलवार ही क्लेम करोगे तो पार्टी क्या डिमांड करेगी? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगला देखो फटाफट से। मिस्टर मूर्ति मनाली जा रहा था अपने वाइफ के साथ हिमालय ट्रेवल से, ठीक है, कोई टेक्निकल इशू आ गया। ड्राइवर को ना बस मस्त क्वेश्चन लग रहा है, बस रोकनी पड़ गई ठंडी में, रात में बस खराब हो गई। ड्राइवर कह रहा है पैसेंजर से भाई होटल में रुक जाओ, ठीक है, और होटल के डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। मूर्ति की वाइफ को क्षति हो गई ठंड के कारण, अब बीमार पड़ गई, ठीक है, क्योंकि उसे वॉक करना पड़ गया ठंडी में। मूर्ति केस फाइल कर रहा है इनकन्वीनियंस के लिए। आप बताइए इनकन्वीनियंस का डैमेज मिलता है क्या? कितने लोगों को लगता है इनकन्वीनियंस का डैमेज हो सकता है? लिखा होगा डैमेज और इनकन्वीनियंस, फिजिकल डिस्कम्फर्ट मिलता है, मैं बता रहा हूँ मिलता है, पूछ नहीं रहा हूँ बता रहा हूँ। उसने केस मैंने आपकी बुक में रखा है, हाँ, केस में क्या हुआ था कि आपने स्टेशन की टिकट ली, ट्रेन वहां रुकी नहीं, ट्रेन रुकी 8 मील आगे, पैदल चल के आना पड़ा, तो पैदल आपने चला है ना, डिस्कम्फर्ट हुआ है, फिजिकल डिस्कम्फर्ट के लिए डैमेज मांग सकते हैं, उसे बोलते हैं डैमेज फॉर इनकन्वीनियंस। क्या बोलेंगे? इनकन्वीनियंस। क्या सर्दी के लिए डैमेज मांग सकता है? नहीं, ये रिमोट डैमेज है, ये नहीं मांग सकता। पैदल चला इनकन्वीनियंस, डैमेज मांगेगा। सर्दी हो गई डैमेज मांग सकता है? नहीं, सर्दी घर में बैठ के भी हो सकती है भाई, रिमोट डैमेज है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यार ये कितनी मार्च हो गई, बहुत बढ़िया आ सकता है भाई, आज तक नहीं आया। क्वेश्चन आ गया समझ में? बस रुक गई, 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, पैदल चले डैमेज फॉर इनकन्वीनियंस। लेकिन अगर सर्दी हो गई तो सर्दी को बोलते हैं रिमोट डैमेज, रिमोट डैमेज आप रिकवर नहीं कर सकते। पैदल चलने के लिए कौन सा डैमेज बनेगा? इनकन्वीनियंस, वो आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए ये है एमटीपी मार्च 22 का क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे होटल का चार्ज रिकवर कर सकता है? बिल्कुल करेगा, ठीक है ना। पर्सनल इनकन्वीनियंस बिल्कुल कवर करेगा, मेडिकल ट्रीटमेंट बिल्कुल कवर करेगा, लेकिन रिमोट डैमेज रिकवर नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ ये देखो भाई, मतलब मैं देखो जो भी करवाऊंगा मैं करवा रहा हूँ कि आपका एक दो भी देखो 5 चैप्टर तो नहीं हो सकते, कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत बड़ा है। पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे अपन, कॉन्ट्रैक्ट का वैसे एंड चल रहा है, फिर करेंगे कंपनी, क्या करेंगे फिर करेंगे पार्टनरशिप, ठीक है ना। अगर 3 भी करते हो दिक्कत नहीं है, मेन टाइम कॉन्ट्रैक्ट में लगता है, कॉन्ट्रैक्ट के बाद कंपनी बहुत कम और पार्टनरशिप में लगभग उतने टाइम। अगर 3 चैप्टर भी कर लेते तो सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए सीमा का बुटीक है दिल्ली में, उसने कपड़ा दिया अपने फ्रेंड किरण को, ठीक है भाई। सीमा ने साथ में सिलाई मशीन पी ली, सिलाई मशीन समझते हैं आप, ठीक, और कपड़ा भी दिया, ठीक है, और ये बोला कि आपको ये कपड़ा सिलकर जहां एग्जीबिशन होना है वहां पहुंचाना है, ठीक है। सीमा को ये उम्मीद थी कि एग्जीबिशन में कपड़ा आएगा, एग्जीबिशन में लगेगा, बिकेगा और बम्पर प्रॉफिट होगा, लेकिन ये बात उसने रेलवे को नहीं बताई। रेलवे से ये बोला कि आप ये कपड़ा लो और पहुंचा देना, लेकिन ये बात नहीं बताई। स्पेशल डैमेज कितने लोगों ने सुना है? स्पेशल डैमेज में क्या होता है, ये स्पेशल सिचुएशन है, मेरा एग्जीबिशन होना है, एग्जीबिशन में कपड़े लगने हैं, कपड़े बिकेंगे तो प्रॉफिट आएगा, आप कपड़े यहाँ पहुंचा देना,
स्पेशल कंडीशन बताओगे, स्पेशल कंडीशन लगेगी अगर आपने कपड़े नहीं पहुंचाए, स्पेशल लॉस हुआ, स्पेशल लॉस के लिए डैमेज आप लोगे, उसे हम क्या बोलेंगे, स्पेशल डैमेज। लेकिन एक बात बताओ, स्पेशल डैमेज में कंडीशन होती है, जब स्पेशल कंडीशन दूसरी पार्टी को बताओगे, क्या होगा, दूसरी पार्टी को बताओगे, क्या 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 सीमा ने ये बात रेलवे को बताई कि मेरे कोई एग्जीबिशन है, नहीं, क्या रेलवे को सपना आ रहा है कि दूसरी बात पहुंचाना है, नहीं, क्या रेलवे की गलती है यहाँ पे, आप मुझे बताइए, रेलवे की कोई गलती नहीं है, गलती है सीमा की, क्या सीमा डैमेज क्लेम कर सकती है, सीमा डैमेज क्लेम नहीं कर सकती, कौन सा डैमेज करवाओगे, ऑर्डिनरी या स्पेशल, नहीं स्पेशल का पॉइंट लिखना है, आपने डैमेज नहीं मिलेगा, रीजन भी स्पेशल कंडीशन आपने बताई नहीं है, हाँ जी सर, हाँ मैं तो असल में मुझे दिखाई मेरी 145 कह रहे लंच ब्रेक 145 से 230 का कौन है हैं नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि लंच ब्रेक के बाद आधे घंटे ले लेते हैं कंपनी और कर लेते साथ में कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी दोनों कर लेते सही रहता है। चलो पहले ये तो पढ़े एक बार अभी तो 5-7 मिनट अभी बैठो आपकी भी गलती है लगातार बैठे हुए सोरे से आंकड़ों तरफ हो जाते हैं बस बैठे हाँ अभी 5-7 मिनट अभी कॉन्ट्रैक्ट पहले खत्म करते हैं फारिग हो जाए पहले। अब देखो अब एक बात बताओ क्या स्पेशल कंडीशन के बारे में सीमा ने बताया है क्या मुझे बताइए नहीं क्या यहाँ डैमेज क्लेम कर सकती है क्या नहीं देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी आप देखना कि स्पेशल एक बार पढ़ लो स्पेशल डैमेज तभी रिकवर होंगे आर ओनली रिकवरेबल कब जब स्पेशल कंडीशन आपने बताई होगी डिफेंडेंट को क्या आपने स्पेशल कंडीशन बताई नहीं क्या आप स्पेशल डैमेज क्लेम कर सकते आंसर इज नो ठीक है और लो जी लास्ट आ गए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्रिटिकल क्वेश्चन है कंटिंजेंट आओ जी पढ़ते हैं बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है आज ही भी नवंबर 21 अरे गेट करा दीजिए आगे तेरा गेट से प्लस नहीं खाने में इंटरेस्ट है तो बढ़िया ना खाना क्या बोला करा आपको वेरी बढ़िया जी तो बढ़िया ही हुआ फिर मौज कर रहे हैं मुझे कौन कौन पटना से बाहर से आया पटना के ओ माय गॉड बहुत बढ़िया है क्या कह रहे ओमपुर ओमपुर वो जो एक मुझे फाउंडेशन के बच्चे ने वीडियो दिखाया था नहीं नहीं वो वीडियो देखा आपने वो बना वीडियो है भाई वो इंटर बनाते हैं ना वो बना के क्या लेते हैं ऐसे कुछ बैठो चलो जी क्वेश्चन पढ़ लो कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म ही हो गया PQR एक हॉस्पिटल है दिल्ली में एक और रखा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 3 महीने के लिए ठीक है जी बढ़िया बात है हॉस्पिटल मैनेजमेंट कह रहा है एक हो वो लमसम 1,00,000 रुपए देगा 1,00,000 रुपए ठीक है अगर डॉक्टर ए कोरोना वायरस पाए जाते हैं तब मतलब डॉक्टर काम करता है अपने ही डॉक्टर को बोलता है अगर आपको कोविड हो गया तो हम आपको 1,00,000 रुपए देंगे सुना ध्यान से अगर कोविड हो गया तो 1,00,000 देंगे कॉन्ट्रैक्ट इंजन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या
कॉन्ट्रैक्ट जो डिपेंडेंट है इवेंट के होने या नहीं होने पर। अब यहाँ किस पर डिपेंडेंट है? इवेंट के होने पर। इवेंट कौन सा है? कोविड। ठीक है, आप बताइए कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, आप बताइए एप्लीकेबल कब होगा? जब होने पर डिपेंडेंट है। हुआ तो 1,00,000 मिलेंगे, नहीं हुआ तो 1,00,000 नहीं मिलेंगे। तो ठीक है ना, ये हो गया मुझे लगता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। ओह कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया बच्चों। कंपनी में पढ़ी लोग होंगे ना? अरे ये क्या हो? ये भी ठीक है। अरे आप ब्लेस जो भाई आपको 20,000 स्पेसिफिक पर्टिकुलर टीचर मिले हुए हैं, वरना दुनिया बड़ी परेशान होती है। चलो भैया आ जाओ, भैया कंपनी में आ जाओ भैया, दौड़ दौड़ के पीडीएफ भी मिल जाएगा बेटे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बच्चा कह रहा बुक खरीद लो। अरे पहले खाने की भीड़ लगी है। अरे नलायको खाना बाद में खाना, आ जाओ कंपनी शुरू हो गया। कंपनी शुरू हो गया, कंपनी 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 फोटो बच्चों आंखें खोलो, बोर हो रही है अपना मुंह खोलो। चलो भाई 10-15 मिनट पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद ओवर कर देंगे। ठीक है, ब्रेक के बाद तो वैसे मुझे मिले कम से कम 2 चैप्टर तो पढ़ गया, कॉन्ट्रैक्ट सबसे भारी और कंपनी। आओ पढ़ते हैं बड़े। एक बार जबरदस्त इनकम है, डिविडेंड भी आ रहा है, इंटरेस्ट भी आ रहा है। उसने चार कंपनियां बनाई, अपने सारे इन्वेस्टमेंट मार दिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ गए तो प्रॉफिट बढ़ गया, और प्रॉफिट बढ़ गया तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ा। केस कौन सा लगाओगे? सर निशो मैनिक जी ने एक कंपनी की चार कंपनियां बनाई, सारे इन्वेस्टमेंट बांट दिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ गए तो इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो प्रॉफिट अपने आप कम, और प्रॉफिट कम तो टैक्स भी कम। तो क्या करें, कॉर्पोरेट भी चलने देगा, लिफ्ट करेगा, निशो मैनिक जी को ड्राइवर ठहराएगा। ठीक है ना, चलिए ये कंपनी एकदम मक्खन के माफी का फटाफट से लेते चलो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सनमून टिम्बर में काम करता है, और ध्रुव के साथ एग्रीमेंट हुआ कि जब तक ध्रुव यहाँ काम कर रहा है इस कंपनी में, ठीक है, अगर भाई 2 मिनट, जब तक यहाँ काम कर रहा है ठीक है, जब इस कंपनी को छोड़ेगा इनके कस्टमर को अपने पास नहीं बुलाएगा। ध्रुव ने छोड़ दिया, अपनी कंपनी बना ली, और कंपनी बनाने के बाद कस्टमर बनाने शुरू कर दिए। ने बोला आप हमारे कस्टमर बुला रहे हो? ध्रुव कह रहा मैं तुझे बुला रहा हूँ, कंपनी बुला रही है, मैं अलग हूँ कंपनी अलग है, मैं अलग हूँ कंपनी अलग है। सॉल्वर और सॉल्वर को उठने का चिंता हो कंपनी इज अ मियर शैम, आप कंपनी को सिर्फ बना रहे हो मिसकंडक्ट करने के लिए। यहाँ पे ध्रुव लाइबल हो गया नहीं, बिल्कुल होगा सर, जहाँ आज ध्रुव है वहाँ कभी होम था, और जहाँ आज सनमून टिम्बर है वहाँ कभी बिल्कुल मोटर कंपनी थी। ठीक है, चलिए जी। ओहो 5 लोग ओनली मेंबर है, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, बोट में घूमने जा रहे हैं, सारे के सारे मर गए। कंपनी बंद हो जाएगी, प्रिंसिपल लगाओगे, मेंबर आएंगे, मेंबर जाएंगे, और कंपनी थी और कंपनी चलती रहेगी, प्रिंसिपल कौन सा है?
एनुअल टैक्सेशन याद है, दो मेंबर के डूबने से कंपनी बंद हो जाएगी क्या? नहीं होगी मेरे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सेक्शन 8 कंपनी में कह रहे हैं भैया 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 सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड देना चाहती है, सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड दे सकती है क्या? नहीं दे सकती। कोई दिक्कत नहीं है भाई, ओबीसी में आपने नॉमिनी बनाया नविता, नविता को, नविता इंडिया छोड़कर जा रही है, कह रही शादी मेरी इंडिया से बाहर हो रही है, मैं चली अपने ससुराल प्रदेश, कम से पिया के देश, कम से कम नॉमिनी और मेंबर को इंडिया में रिटर्न होना चाहिए। तो विदेश जा रही है, अब नॉमिनी रह सकती है क्या? कंसेंट विड्रॉ करना पड़ेगा क्या? करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन भी इस क्वेश्चन में है, नविता कह रही है मैं शादी तो मेरी बाहर हो रही है लेकिन मैं इंडिया आती रहूंगी, ससुराल मायके सुन तो लो माता बता रही है, ससुराल मायके ससुराल मायके, आप इंडिया में 120 दिन रहो नॉमिनी बने रहो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा गजब का मोमेंट होता है, इंडिपेंडेंस मिली है। अरे बेटे देखो क्या कह रहा है, कंपनी 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 की इक्विटी शेयर कैपिटल है 100 करोड़, दूसरी कंपनी 15 करोड़ की शेयर होल्डर, अरे देखो 100 करोड़ की कैपिटल है, 15 करोड़ के शेयर होल्ड कर रहे हो, कितने परसेंट? अरे 100 में 15 कितना हो गया? एसोसिएट मानेंगे क्या? एसोसिएट कंपनी में कितना होना चाहिए? कितना? कितना? 20% होगा तो क्या मानेंगे एसोसिएट? 15% में एसोसिएट मानते हैं क्या? ठीक है भैया आगे बढ़ो, जल्दी बताओ, कंपनी बनी है इंडिया में ऑफिस सिंगापुर में, फॉरेन कंपनी मानेंगे? बनी इंडिया में है ऑफिस सिंगापुर में, अरे मजे ले रहा है तुम्हारे, फॉरेन कंपनी का बोलती है बनी बाहर, बिजनेस प्लेस इंडिया में, बनी कहाँ? प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ? इंडिया। उल्टा कर रही है, बनी कहाँ पे है? प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है? फॉरेन कंपनी के रहेगी क्या? नो नो नो। तो अरे बेटे देखो क्या लिखा है, 6 लाख शेयर 100 रुपए इंच के, कितने कैपिटल होगी? करोड़ कैपिटल है, उसमें से भाइयों बहनों के पास 2 करोड़ की कैपिटल है, अरे 2 लाख शेयर 100 रुपए इंच का 2 करोड़ की कैपिटल हो गई भाइयों बहनों मित्रों के पास, मित्रों ठीक है अब दोबारे आगे बढ़ो, 1,20,000 की कैपिटल, 1,20,000 शेयर मतलब कितना हो गया? 1,20,000,000 के शेयर, 1 लाख शेयर के पास, अरे 6 करोड़ की कैपिटल टोटल, 6 करोड़ की टोटल कैपिटल हमारी, ठीक है 2 करोड़ भारत सरकार के पास और 1,20,000 महाराष्ट्र सरकार के पास, 3,20,000 दोनों के पास आउट ऑफ 6 करोड़, गवर्नमेंट कंपनी मानेंगे क्या? गवर्नमेंट कंपनी कितने परसेंट से होगी सरकार के पास होनी चाहिए? कितने परसेंट सरकार के पास होनी चाहिए? 51% सरकार के पास क्या होनी चाहिए शेयर होल्डिंग? कौन सी सरकार के पास? या तो सेंट्रल या स्टेट, पार्टी सेंट्रल पार्टी स्टेट, कितनी है सेंट्रल के पास? यहाँ सेंट्रल के पास कितनी है? 2 करोड़, स्टेट के पास कितनी है? 1,20,000, कितना हो गया? 3,20,000 आउट ऑफ 3,20,000 आउट ऑफ 6 करोड़, 6 लाख शेयर है ना, मैं 100 रुपए ईच लेके चल रहा हूँ, ठीक है अकाउंट्स तो पढ़ते हो ना भाई, शेयर मल्टीपल, आए भाई भाई आए भाई 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 बताओ भाई लिमिट एक्सीड कर रही है क्या? लिमिट एक्सीड कर रही है क्या?
प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? कितने? पब्लिक में बच्चा ना क्वेश्चन देख के भावना में बह जाता है, ऊपर नहीं पड़ता है। पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी में मेंबर की लिमिट नहीं है, पब्लिक कंपनी में मेंबर की लिमिट नहीं है, कितने भी मेंबर रखो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं। कहां पे कैलकुलेशन कब करते जब कंपनी कौन सी होती है? अच्छा मान लो प्राइवेट है, तब ये सुनना क्वेश्चन आ सकता है प्राइवेट बोलकर। प्राइवेट है तो 190 लोग आएंगे, बिल्कुल आएंगे। एम्प्लॉई आया क्या 15? नहीं। एक्स एम्प्लॉई आया क्या? नहीं आएगा। कह रहे अदर में 20 है, तो 20 है, 20 में से 10 लोग ऐसे हैं, 10 लोग ऐसे हैं ज्वाइंट शेयर होल्डर है, पापा बेटा, पापा बेटा, पापा बेटा, पापा बेटा, पापा बेटा, दस लोग ऐसे, पापा बेटा, पापा बेटा, पापा बेटा, पापा बेटा, पापा बेटा, दस में से 10 है क्या? 5। अरे 5 ज्वाइंट शेयर होल्डर कितने काउंट करेंगे? 5 काउंट करेंगे ना, तो 20 में से 10 कितने हैं? पापा बेटा है, 190 प्लस 5 195 और 10 तो वैसे भी कितना हो गया? 205 लिमिट एक्सीड कर गई ना, नहीं आया समझ में? 190 सीधा ये आएगा नहीं, एम्प्लॉय भी नहीं आएगा, एक्स एम्प्लॉय भी नहीं आएगा, तो 20 है ना अदर, 20 में से 10 ज्वाइंट शेयर होल्डर है, तो 5 हो गए और बाकी 10 तो ही 20 में से 15 हो गए, 15 प्लस 190 कितने हो गए? लिमिट एक्सीड कर गया ना, कन्वर्ट करना पड़ेगा पब्लिक को, वो कब होगा? तो कंपनी कैसी होगी? प्राइवेट। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है? पब्लिक में लिमिट है क्या? नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर क्वेश्चन आ गया और ऊपर क्या लिख गया इंस्टीट्यूट ने, प्राइवेट, तो मेंबर कितने हो गए? 205। कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? बहुत ही बढ़िया भैया, चलो जल्दी से बताओ। उसमें सेक्शन 8 कंपनी है, ऑब्जेक्ट को वायलेट कर रही है, क्या लाइसेंस कैंसिल हो सकता है क्या? कौन करेगा लाइसेंस कैंसिल? लाइसेंस कैंसिल करने के बाद सीजी के पास 3 ऑप्शन है, कौन कौन से? कौन बताएगा? कन्वर्जन, एमलगमेशन, वाइट पेपर। क्या कन्वर्जन, एमलगमेशन, वाइट पेपर? ठीक है जी, ये भी होने ही वाला है। ओ 130 दिन इंडिया में रहा है, कंपनी बन सकता है? 130 बन सकता है क्या? मिनिमम लिमिट कितनी है? 120। लेकिन फॉरेन सिटीजन है, बन सकता है क्या? 120 दिन इंडिया में रहना चाहिए, और कहां का सिटीजन हुआ भैया? इंडिया का सिटीजन जरूरी है, जरूरी है भारत का, सही बात है बेटे। देखो देखो एक्स ने एबीसी लिमिटेड से घुस कर लिए थे, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। कंपनी में पैसे देने के लिए गया, कंपनी में ना तो कैशियर था और ना अकाउंटेंट, दोनों छुट्टी में थे, सुपरवाइजर बैठा था, उसने सुपरवाइजर को पैसे दे दिए, ठीक है, सुपरवाइजर ने उसको रसीद बना के दे दी। अगले दिन से सुपरवाइजर फरार, फरार गायब, कंपनी का नोटिस आया, कह रहा है ये पैसे दे दो। मेरा पैसे आपके सुपरवाइजर को देगा क्या? होंगे कंपनी कह रही है उसको पैसे खा गया। अब एक बात बताओ, एक पर्सन ने कंपनी के सुपरवाइजर को पैसे दिए, सुपरवाइजर क्या रखा करता है? उससे आउटसाइडर का मतलब है क्या? नहीं सर। आउटसाइडर ने पैसे दे दिए, क्या आउटसाइडर दोबारा पैसे देगा क्या? नहीं। तो ट्राई कौन सा लगेगा? क्या कह रहे हैं नॉर्मली में? आउटसाइडर अगर गुड फेथ में है तो इंटरनल लफड़े से आउटसाइडर को फर्क पड़ेगा क्या? नहीं है। ठीक है, ये तो वही बात हुई, फेस टू फेस पढ़ रहे हो, उन्हें कहते हैं पैसे दे के चले गए, बोले वो एम्प्लॉई भाग गया हमारा, दोबारा फीस दे दो। अच्छा भैया चंडा चंडा लाइए, दोबारा फीस मांग रहे हैं, एम्प्लॉई भाग गया पैसे लेके, हम क्या करें? फीस तो हमने दिया आपको। ठीक है जी, बस आखिरी क्वेश्चन चल रहा है भाई। कंपनी आयरन रॉड बना सकती है, मेन ऑब्जेक्ट है जी, बहुत बढ़िया। कंपनी, अरे कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है फाइनेंस को लेकर, इंटरवाइजर अल्ट्रावाइजर, अरे जो आयरन रॉड बनाएंगे वो फाइनेंस का काम कर सकती है क्या? क्या कह रहा है? अल्ट्रावाइजर वैलिड होगा, वॉइड होगा? वॉइड।
कैश का नाम ऐश भरी बोला था ना सही नहीं हुई उसकी ऐश भरी रेलवे कैरेज कंपनी वर्सेस रची रची रिच बहुत बढ़िया जीवन में कभी किसी गरीब व्यक्ति को देखना हो आगे बंद कर लेना मेरा ही चेहरा नजर आएगा। ओहो तालियां के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट खराब अरे मुझे आ गया एक घंटे और दे दो पूरा खत्म हो जाएगा एयर पार्टनरशिप और बताओ जिन्होंने रिविजन कर लिया ठीक है और अरे बस दो मिनट देना दो कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या बन जाएगा कुछ भी होगा करते पढ़ते कुछ तो लिख ही लेंगे अभी देखो अब एग्जाम में करीब करीब एक महीना बाकी करीब करीब मार्क चल रहा अब होगा बहुत हाँ रिवीजन आर्टिकल आर्टिकल के बाद चैनल पर आप कौन कह रही हो 360 उस पर मैं कॉन्ट्रैक्ट का रिवीजन दे रहा हूँ अभी दो यूनिट ले चुका हूँ इंट्रोडक्शन होकर एक्सेप्टेंस जाने दिल्ली वापिस शुरू करूंगा आप कनेक्टेड रहिए अभी भी तैयारी में कमी है मैं आपको दिलाऊंगा 5/60 ये मेरा वादा है अपने सीनियर से पूछिए वो आपको बताएंगे क्योंकि बेटे यहाँ तो मेरा पेपर ही साथ में नंबर है ना फिनल से उसके और बढ़िया अरे जो इंटर फाइनल में 80-82 ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं जिसमें हाईएस्ट नजर आए बस आपको कनेक्टेड रहना है और कंसेप्ट पे फोकस करना है हर एक क्वेश्चन आप लगा पाएंगे अगर आपको लगता है कहीं कोई कमी है आप मेरे साथ कनेक्टेड रहे फ्री की सेवाएं नहीं ऐसा नहीं देना पढ़ना है और फाउंडेशन क्लियर करना है और जाके जहाँ भी आप पढ़ते हैं रूम में कहीं भी पूरा सब्जेक्ट का रहना टारगेट दिसंबर 22 60 तो भूल हो गया ना एक होता है टारगेट ऑब्जेक्टिव उसको पूरा करने में छोटे छोटे गोल बनाते हैं अल्टीमेटली अभी टारगेट क्या है क्या बात करना है नंबर 22 और अल्टीमेटली वो है सो जाते हैं बेटे आप भले कुछ भी बोल लो आप यहाँ आए हो बैठे हो पढ़ रहे हो शिद्दत तो है आपके अंदर अगर नहीं होती तो आपके दोस्त सो रहे हैं अभी आप भी घर पे सो रहे होते अब लोग कितने लोग ट्रैवल करके आए हैं उसके बाद होगी सही बात है बहुत बढ़िया तो एक बार किसी के लिए नहीं एक बार आपके लिए तारीफ होती है और मेरे साथ तो आपकी जर्नी में थोड़ी लंबी रहेगी क्योंकि मैं आपको हर स्टेज में मिलने वाला हूँ ठीक है अभी तो आप फाउंडेशन में सरेंडर में फाइनल में यहाँ पर आ रहा हूँ 60 नंबर कितने में 200 नए कोर्स में 600 नंबर का इंटर लॉ एंड एडमिन पढ़ाता हूँ 200 डिवाइड बाय 600 मतलब 33.33 वन थर्ड तो वही समझ लो ठीक है कितने लोग अभी अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हैं ओह माय गॉड काफी हो गया सर लगभग सभी और बच्चा कह रहा है फ्लॉट दे दूं आईफोन एक पापा ने एक्स्ट्रा पैसे दिए रे बेनिफिट तो अच्छा ही था वैसे भी कर दिए एक मिनट चलो जी ये सेशन यही समाप्त करते हैं ओके अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट